नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, जो आपने लास्ट एक साल से पूरी ऊर्जा के साथ सोते बैठते उठते अपने शिक्षकों के अपने अध्यापकों के साथ अपने दोस्तों के साथ जिस लक्ष्य को लेकर आपने तैयारी की है, उस तैयारी को परिणाम के रूप में दर्शाने का समय आ गया है। आप सभी को पता है कि कल आपकी कक्षा 10th की फर्स्ट एग्जाम होगी। इस एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपने जिस लक्ष्य और जो लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी की है उससे भी आपको बेहतर परिणाम, बेहतर सफलता मिले। एग्जाम में कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो कल कोई भी छात्र या छात्रा, कोई भी विद्यार्थी खाली पेट नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं कि खाली पेट चले जाते हैं, वहां पे हमारी बीपी लो हो जाती है, घबराहट हो जाती है, टेंशन सी हो जाती है, और आती हुई चीजें भी, हमने बहुत बेहतरीन तैयारी की है, आती हुई चीजें भी गलत हो जाती है। तो मेरी सलाह है आप सभी को ये है कि कुछ ना कुछ खा पी कर जाए जिससे आप इन सारी असुविधाओं से बच सके। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आज रात आपको कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेकर, अच्छे से नींद लेकर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के फिर जाना है। क्या होता है कि हम नींद अच्छी प्रकार से नहीं ले पाते हैं, हमारे दिमाग में एक वजन सा हो जाता है, भार सा हो जाता है, घबराहट हो जाती है, और हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ये सलाह है कि आप कुछ ना कुछ खा पी कर जाएंगे, अच्छे से नींद लेकर जाएंगे, और आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी पेपर बनता है, जो भी क्वेश्चन बनता है, वो आपने जो तैयारी की है उसी में से पूछा जाएगा। कभी क्या होता है कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे को समझने में दिक्कत हो जाती है, और फिर हम घबरा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप उतना ही लिखिए जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, अनावश्यक बातें लिखने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपका जो एग्जाम है कल, आप सभी को यह भी सलाह दी जाती है कि आप एग्जाम सेंटर है आपका, उस नाम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पहुंचे। साथ ही आपको जो आपके पास डेली यूज में जो पेन लेते हैं वो साथ में ले जाना है, स्केल साथ में ले जाना है, और भी जो आपकी आवश्यक सामग्रियां हैं वो साथ ले जानी है। जैसे कि आप जो ज्योमेट्री बॉक्स ले जाते हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अदर उसमें जानकारियां लिखी हुई ना हो, ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स हो जिस पर बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स हो, आवश्यक चीजें आपको ले जानी है। साथ ही आपको एग्जाम जो हॉल में जब पेपर करो तो पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोबल के साथ और आत्मविश्वास के साथ हल करना है। आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और दोस्तों ये खास बात ध्यान रखना कि जब सब सुबह उठो और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब जाते हो तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मैं ये भी देख लूं, नोट्स साथ में रखते हैं, बुक्स साथ में रखते हैं, और उससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी को पता है कि यदि हमने पूरी साल अच्छे से मेहनत की है तो एक दिन में, एक घंटे में और आधा घंटे में कुछ नहीं होने वाला, और यदि हमने पूरी साल यदि मेहनत नहीं की और ऐसे ही टाइम पास किया तो भी एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपने पर विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता पर विश्वास रखिए, और आप जब उठो फिर भी आपको ये लगता है कि सर एक या दो क्वेश्चन, एक या दो टॉपिक मुझे देखना आवश्यक है, तो जब घर पर हो तो आराम से शांति से बैठ के उसको देखिएगा, वहीं पर अपने बुक्स, अपने नोट्स छोड़ दीजिएगा और हंसते खेलते एग्जाम देने जाइएगा। हमारा जो परिणाम है वो आपके लक्ष्य के अनुकूल होगा। घर से निकलो, अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा, अपने माता पिता को याद कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, घर में जो भी हमें हमारे से बुजुर्ग हैं उनको आशीर्वाद लीजिएगा, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा, और एग्जाम हॉल में जब आप अंदर प्रविष्ट करो तो आपके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल हो, एक अच्छी सी मुस्कान हो, दूसरा भी देखे, जो एग्जामिनर है वो देखे, बच्चे देखें, तो एहसास लगे कि
रियल में आपने एक बेहतरीन तैयारी की है। जब एग्जाम हॉल में जब आप जाके बैठ जाओगे तो अपने चारों तरफ देखिएगा, अपने चारों तरफ ये एहसास कीजिएगा कि ये तो जब दिल्ली में पढ़ता हूं वही रूम है, उसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम हॉल है, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे तो कुछ। और हाँ, अक्सर आपको देखते हो कि जब हम एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे तो हमें लगेगा, हम याद करेंगे, हमने वो भी याद नहीं आ रहा, वो चीज भी याद नहीं आ रही, वो चीज भी याद नहीं आ रही। तो आप ये बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने पेपर आएगा, उसके साथ जब आपको जब एक एक प्रश्न पढ़ोगे दिमाग की परतें खुलना स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा, ये विश्वास धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि ये जो समय है वो आपका पूरा साल जो आपने मेहनत की है उसको डिसाइड करेगा। फिर भी कल आपकी जो फर्स्ट एग्जाम है उसके बाद अदर एग्जाम है, उसके गैप है, उसमें आप उसका सदुपयोग करेंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और लास्ट में दो पंक्तियां, सवेरे सवेरे हो खुशियों का मेला, ना लोगों की परवाह है ना दुनिया का झमेला, पक्षियों का संगीत हो और मौसम हो अलबेला, मुबारक हो आपको 10th क्लास की एग्जाम वाला सवेरा। एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको आपकी जो लक्ष्य रखा था उस तक ईश्वर और वो लक्ष्य आपको जरूर लक्ष्य वो जरूर आप प्राप्त कर पाओगे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।